रिपोर्ट वो क्यों नहीं लाए? बोला है ना प्रशासन आएगा तो बोलिएगा कि ठंडा लग गया है, उतार नहीं गए हैं और आए हैं तो बोले है क्या यहाँ से फोन गए हैं कि बोलिए उनसे कि बोले लोग कि ठंडे से मर गए हैं और ठंड के बाद नहीं तो जहर से मर गए। बताइए थाने से कौन फोन किया था? फोन किया था फोन? हमको नहीं पता लेकिन फोन यहाँ पर गए हैं लोग रोने धोने में लगा किसको क्या पता है कौन फोन किया, लेकिन मुकेश जो है वो गया क्या ये लोग क्या बोला लोग क्या थाना से कॉल किया तो बोले कि थाना को भेजिए तभी हम लोग लाश को लेकर जाएंगे, लेकिन मुकेश जो है वो यहाँ पे आए लेकिन लाश नहीं गए। वो लोग बोले कि लाश जलवा दीजिए कहीं छुपा के, क्यों छुपा के लोग जलाए? जो जो अभी मौत हुई है इनका पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ है? दो दिन पहले प्रशासन की गलती से वो मारे नहीं है, उनको मारा गया है प्रशासन की गलती से। 60 साल के हैं, आज तक कभी कोई बीमारी नहीं, अचानक बीमारी हो जाएगी। और यहाँ पे इनकी बेटी प्रशासन से मांग कर रही है, जीवन बोल रहा है कि मतलब दारू के कारण ये मरे हैं, तो को मरना चाहिए ना? दारू के कारण ये मरे हैं, मानने को तैयार नहीं है प्रशासन, इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इनकी मौत दारू से हुई है। ठंडी के कारण मरे हैं, बस ठंडी के कारण मरा है। 8:12 डीजीपी बोलो कि ठंडी के कारण मरा है, ये थे तो बोले सारण एसपी कार्रवाई कर रहा है, तो हम थाना देख के बाद फोन लगा, थाना देख बोल रहे हैं कहो की ठंडा से मर गया, जल्दी हटवा दो। थाना प्रभारी का फोन कब गया था? थाना प्रभारी के पास फोन गया था 7:59 पर, हम फोन किए थे थाना प्रभारी, मेरा नंबर दे दिया वहाँ के नेता लोग को और उनसे हमारे पास धमकी आने लगा कि क्यों तुम नेता बन रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम लल्टू कुमार सिंह है। घर आपके कहाँ? घर मनीष सिरसिया है, हम जदयू का अध्यक्ष है।